दोस्तों अभी हम गोंडा आ चुके हैं और आज यहाँ पे मिलने वाले हैं राजा भाई से, राजा भाई राजा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल से। वो यहाँ पे आ रहे हैं तो बात हुई थी उनसे, तो यहीं पे अभी ये ट्रेन जो है आई हुई है तो इसी से अभी हम उतरे हैं और आ चुके हैं गोंडा जंक्शन। ये देख सकते हो आप, आपको दिख रहा है। और अभी यहाँ पे हम हैं और साथ में अनुज भाई हैं, और दीप भाई आपको पता ही चल गया, मैंने आपको रास्ते पे दिखाया था। तो ये अब ट्रेन जो है आ गई है, राजा भाई की जो ट्रेन है वो 8 बजे आने वाली है, जो कि यहाँ पे 8 बजे करीब 8:15 बजे पहुँच जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक आती है, तब तक हम लोग बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और वेट करते हैं। अभी फिलहाल हम हैं गोंडा के प्लेटफार्म नंबर 1 पे, थोड़ा टहल रहे हैं यहीं पे, बाहर देखते हैं कि कैसा क्या है, क्योंकि पहली बार गोंडा आया हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि कैसा क्या है। ये है प्लेटफार्म नंबर 1 गोंडा का, और अभी 6:30 बज रहे हैं, तो अभी 1.5 घंटा है और 1.5 घंटे में हम थोड़ा बाहर घूमेंगे कि देखेंगे बाहर का कैसा क्या माहौल है और दिखाते हैं आपको भी। तो चलते हैं बाहर और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये है गोंडा का प्लेटफार्म नंबर 1, और अभी यहाँ से देखते हैं एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है बाहर जाने के लिए। पहले तो मुझे लगा था कि काफ़ी छोटा ही जो है जंक्शन होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है। आ जाओ, चलो। बिस्लेरी वाला पानी यार यहाँ पे नहीं मिलता है। तो फिलहाल अभी हम गोंडा जंक्शन पे ही हैं, थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि बराबर बारिश हो रही थी, अभी कुछ बारिश जो है वो थमी है, तो सोचा कि चलो बाहर का ही व्यू वगैरह आपको दिखा देते हैं। तो ये है कुछ बाहर का, और ये यहाँ पे एक इंजन वगैरह खड़ा हुआ है, जैसा कि हर स्टेशन में या जंक्शन में आपको खड़ा हुआ मिल ही जाएगा। तो ये है कुछ इस तरह से। तो अभी हम हैं गोंडा जंक्शन पे, भाई को आने में अभी करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी। तो पानी हो रहा है बराबर, जब से हम लोग आ गए हैं यहाँ पे तब से बराबर पानी हो रहा है, आप देख सकते हो। ये है गोंडा जंक्शन, कुछ इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए गाड़ी वगैरह जो है टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी, चाहे आपको रेलवे बस स्टैंड जाना हो, चाहे और कहीं भी जाना हो, तो यहाँ पे आप उतर सकते हो। और भी कुछ लिखाई का तो है नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा देता कि कैसा क्या है। तो बुकिंग कार्यालय उस साइड पे है, ये उर्दू में लिखा हुआ है गोंडा जंक्शन यहाँ पे। तो अभी यहीं पे थे और सभी लोग बैठे हुए हैं, अनुज भाई लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, और देखते हैं कि कब तक आते हैं। और बरसात हो रही थी तो क्या कर सकते हैं, अभी बारिश ना हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते कि थोड़ा बाहर वगैरह भी घूम लेते हैं, लेकिन क्या है अभी यहाँ पे वेटिंग एरिया है गोंडा का। तो ये लखनऊ के ज़िले के अंतर्गत आता है सर, लखनऊ मंडल लिखा हुआ है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या है अभी ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आने वाले हैं। तो हम लोग यहीं पे अभी बैठे थे यहीं पे पास में ये यहाँ पे, और भाई का जो है उस साइड पे आएगी, तो अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, जैसे ही टाइम होता है तो उस साइड पे चले जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि जैसे भाई आते हैं। तो दोस्तों अभी जो टाइम है करीब 8:15 के करीब हो रहा है, भाई थोड़ा लेट हो गया है आने पे और जल्दी ही आ रहा है, और हम आगे की तरफ ही आ गए हैं क्योंकि प्लेटफार्म नंबर जो है 1 पे आ रहे हैं भाई, और साथ में जो उनका कोच है वो है D1, यानी कि आगे की तरफ है, तो इसके लिए हम आगे की साइड पे आ गए हैं। और ये देख सकते हो चारों तरफ का व्यू आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। और ये अभी हम लोग यहीं पर घूम रहे हैं, है ना अनुज भाई? और क्या अभी भाई, अभी देखते हैं यार, बारिश बंद हो गई है, बारिश बंद हो गई है, तो थोड़ा बाहर निकले अभी तक तो बैठे रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई है भाई यहाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, थोड़ा सा गंदगी नहीं फैल गई यार, चाय वाला दिक्कत करते हैं यार। एक क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, लोगों ने चाय पी है और ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं इसमें नहीं डालते हैं कि इसमें डाल दे, ऐसे ही सारे
प्लेटफॉर्म पे ही फेंक दिए। झाड़ू वालों ने झाड़ू लगाया यार, और झाड़ू वालों ने भी अभी झाड़ू वो देखो लगा के अंकल जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे लोग। तो अभी देखते हैं भाई साहब कितने बजे तक आते हैं। और अभी हम गोंडा पे ही है और ये व्यू वगैरह कुछ इस तरह से है। और आप लोगों को अपडेट जो है हम देते ही रहेंगे कि कब तक आ जाएंगे। थोड़ा लेट हो रहा है, आउटर पे ही ट्रेन जो है करीब 2-3 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है। और जैसे ही आती है आप लोगों को भाई से मिलाते हैं। तो दोस्तों ट्रेन जो है वो आ चुकी है और देखते हैं कि कितनी देर में ये रुक रही ट्रेन। फिलहाल राजा भाई का जो है D1 है, तो D1 के सामने ही हम लोग खड़े हुए हैं ताकि जो है आराम से उनसे बिल्कुल पास ही में आके मिल सके। तो राजा भाई का D1 है, तो D1 ये आप देख सकते हो, ये है D1। तो यहीं पे उतरेंगे राजा भाई। तो हम थोड़ा भी देखते हैं यहीं पे, ये D1 है कोच, तो ये वाला, तो ये सामने राजा भाई खड़े हैं। अरे राजा भाई ये देखो आ चुके हैं फिलहाल, और मिलाते हैं हम आपसे और इंटरव्यू वगैरह करते हैं कि कैसा क्या है और बात करते हैं भाई से। राजा भाई बढ़िया, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो और पानी हो रहा है, आज छाया में चलते हैं। तो राजा भाई आ चुके हैं अभी, और आ जाओ इधर पे आते हैं। अभी क्या है बरसात का मौसम है तो थोड़ा दिक्कत है। तो आप लगता है कल शाम को ही निकल आए थे उधर से? हाँ, शाम को ही निकले। मैंने स्टोरी पे देखा था आपको। हाँ, बट आप लोग इतना कष्ट क्यों किए? अरे तो आपसे मिलना था यार, मिलना था आपसे। हमने कहा राजा भाई आ रहे हैं तो मिल लेते हैं चल के। तो दोस्तों राजा भाई के इंटरव्यू का वीडियो जो है वो शूट हो चुका है। वीडियो काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। इस वीडियो में हम बस यहीं तक रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो बोरिंग भी हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, जल्दी मिलते हैं राजा भाई के इंटरव्यू के साथ। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इंतज़ार में रहेंगे, और इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। और मिलते हैं जल्दी इंटरव्यू वाले वीडियो के साथ।